कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपसे कुछ गलती हो गई हो और आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के ऊपर डाल दें, या फिर आप कहीं पर कुछ भूल आए हो और आप उसका ब्लेम किसी और के ऊपर डाल दें कि उन्होंने आपको याद नहीं दिलाया इसीलिए आप भूल गए, आपकी कोई गलती नहीं उनकी गलती है, या फिर आपके ऑफिस में आपसे कुछ मिस्टेक हो जाए और आप उसका ब्लेम अपने टीम मेंबर्स पर डाल दें और कहें कि आपसे कुछ नहीं हुआ, टीम मेंबर्स की गलती है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हुआ है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हाय, आई एम अनामिका यदुवंशी, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड लाइफ कोच। ऑल ऑफ अस मेक मिस्टेक्स, देयर इज नो वन ऑन दिस अर्थ हु हैज नेवर मेड अ मिस्टेक। लेकिन एक मिस्टेक करने के बाद हम दूसरी बड़ी गलती क्या करते हैं? दूसरी बड़ी गलती हम ये करते हैं दैट वी डू नॉट एक्सेप्ट आवर मिस्टेक्स। हम अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते। हम अपनी गलती एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? हम अपनी गलती इसलिए एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम अपनी गलती एक्सेप्ट करेंगे तो वी विल फील गिल्टी, वी विल फील लो, और हमारी रेप्यूटेशन खराब हो जाएगी। सामने वाले को लगेगा हम कितने फुलिश हैं, कितने बड़े इडियट हैं कि हम ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं। या फिर कभी कभी अपने ईगो की वजह से भी हम अपनी गलतियों को एडमिट नहीं करते कि हमसे एक गलती हुई है, हम उसको छुपा के रखते हैं और अपनी गलती का ब्लेम दूसरों के ऊपर डालते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने मिस्टेक्स के बारे में क्या कहा है? एल्बर्ट आइंस्टाइन सेड दैट इफ यू नेवर मेड अ मिस्टेक दैट मींस यू नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू इन लाइफ। यानी कि अगर आपने कोई गलती नहीं करी, इसका मतलब आपने अपनी लाइफ में कोई नई चीज ट्राई ही नहीं करी। क्योंकि हम जब भी कोई नई चीज ट्राई करते हैं तो मिस्टेक होना इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, गलतियां हो जाती हैं। लेकिन गलतियों के साथ साथ जब हम गलतियों को एडमिट करते हैं तो उससे जो हमें चीज मिलती है वो होती है लर्निंग। अगर हम वो गलतियों को एडमिट नहीं करते तो हम उस गलतियों की लर्निंग को भी एक्सेप्ट करने से चूक जाते हैं। अगर हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हमें नुकसान क्या होता है? व्हाट इज इट यू नो दैट वी लूज व्हेन वी डोंट एक्सेप्ट आवर मिस्टेक्स? हमने गलती करी, ब्लेम दूसरों पर डाल दिया, क्या फर्क पड़ा? किसी को पता ही नहीं चला, बल्कि हमें लोगों ने जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया, हम बच गए। लेकिन ऐसा नहीं होता। व्हेन वी डू नॉट एक्सेप्ट आवर मिस्टेक्स, नुकसान हमारा ही होता है। बताओ कैसे? जी हाँ, बताती हूँ। व्हेन वी डोंट एक्सेप्ट आवर मिस्टेक्स देन वी फील एंग्री, irritated, confused, and very stressed. हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या करना है, because हमें अंदर से हमारा मन कह रहा है हमारी गलती है और हमारी calculation चल रही होती है कि किसकी ऊपर ही गलती का blame डालना है। और इससे क्या होता है कि हम we are not at peace, we are confused कि क्या करना है, अब क्या होगा, अब कैसे इसको solve करना है, कैसे इसको fix किया जाए। So we are not at ease, we are stressed. और हमारा फोकस सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय ब्लेम डालने के ऊपर चला जाता है, तो जो प्रॉब्लम होती है वो वही के वही एज इट इज रह जाती है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब हम अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं, सपोज हमने कुछ किया और उसको मान लिया दैट ओ यस यस ये मुझसे गलती हो गई, दिस इज माय फॉल्ट, नाउ लेट मी सी हाउ आई कैन फिक्स दिस, तो हमारा जो अप्रोच है, हमारा जो फोकस है, वो प्रॉब्लम से हटकर, ब्लेम गेम से हटकर सॉल्यूशन की तरफ चला जाता है कि अब ये हो गया, नाउ हाउ टू फिक्स दिस। तो एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच जो है वो बहुत पॉजिटिव होती है, एंड देन वी आर एट ईज, बिकॉज हमें कोई टेंशन ही नहीं है कि किसके ऊपर ब्लेम डालना है। हम अपनी गलती एडमिट कर लिया तो हमारे को कोई गिल्ट नहीं है, वी डोंट फील एनी गिल्ट नाउ। जबकि गलती एक्सेप्ट नहीं करते हैं देन वी फील गिल्टी। सो गलती एक्सेप्ट करने से गिल्ट चला जाता है, और आता क्या है, कॉन्फिडेंस आता है कि अगर हमने गलती करी है देन वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी कैन एक्सेप्ट अ मिस्टेक एंड वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट मिस्टेक कि हम ही इसको फिक्स करेंगे। तीसरा बेनिफिट क्या होता है? तीसरा बेनिफिट होता है दैट वी गेट लर्निंग विच इज एसोसिएटेड विद दैट मिस्टेक। जो गलती हमने करी, किस वजह से वो गलती हुई, क्या हमने गलत किया जिसकी वजह से वो गलती हुई, तो हमें वो चीज समझ में आएगी। तो क्या होगा, दैट वी विल बी एबल टू learn from that mistake, we will get experience from that mistake. Remember my dear friends, experience is the name that we give to our mistakes. To galti
जो हम करते हैं वो गलती तो हो गई, लेकिन एक्सेप्ट ना करने से हम और बड़ी गलती करते हैं, लेकिन एक्सेप्ट करने से हम बहुत सारी चीजें गेन करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, हम लर्निंग गेन करते हैं, और एक और चीज पता है हम क्या गेन करते हैं, एक और दूसरी चीज जो हम गलती एक्सेप्ट करने से गेन करते हैं, वो दूसरों का भरोसा, दूसरों का विश्वास। जी हाँ, जब हम अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं, देन पीपल ट्रस्ट अस मोर, बिकॉज दे फील दैट इफ दिस पर्सन कैन एडमिट हिज मिस्टेक्स, देन दिस पर्सन कैन डेफिनेटली बी मोर अवेयर हाउ ही इज नॉट गोइंग टू रिपीट दोज मिस्टेक्स। सो हमारी जो लोग हैं वो हमारे ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, विच इज वेरी वेरी गुड फॉर अस, देन वी गेन। सो एक्सेप्ट करने से वी डोंट लूज, वी गेन लॉट ऑफ थिंग्स, we gain learnings, we gain experience, we gain trust, and we gain confidence, and we are guilt free, is no sin. galti ho gayi, accept kar liya, learn kar liya, aur aage se apne aap ko improve bhi kar liya. now we are wiser and smarter. to jo galti karni hai usko accept zarur karna hai. kai logon ko lagta hai acha humne ye galti kar di, now we are this mistake, अब हम इतने बड़े इडियट हो गए कि हम ऐसे सिली मिस्टेक्स करते हैं। देन यू मस्ट रिमेम्बर माय डियर फ्रेंड्स दैट यू आर नॉट योर मिस्टेक्स, योर पास्ट मिस्टेक्स आर मेंट टू गाइड यू, दे आर नॉट मेंट टू डिफाइन यू। योर मिस्टेक्स डू नॉट डिफाइन यू, योर मिस्टेक्स आर मेंट टू गाइड यू। तो अब क्या करना है, गलती एक्सेप्ट करनी है, गलती से लर्न करना है, इम्प्रूव करना है और स्मार्टर बेटर वर्जन बनना है। Do not keep your mistakes under the carpet. Learn from them and become wiser and smarter. Thank you, my dear friends, for watching this video. I hope you like this video. अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ गलती की हो और आपको उस गलती को एक्सेप्ट करने से कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हो तो वो इस कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और आपने गलती एक्सेप्ट ना की हो, फिर आपको कितना गिल्ट हुआ हो या कुछ और प्रॉब्लम हुई, वो भी अगर आप शेयर करना चाहें तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल का कंटेंट अगर अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन भी बजा दीजिएगा, सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।